अपनी वेबसाइट की न्यू सब डोमेन क्रिएट की है और उस पे एड्स लगाना चाहते हो, उसे एडसन पे ऐड करना चाहते हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी सब डोमेन के ऊपर एड्स शो करवा सकते हैं एडसन के। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रो ब्लॉगिंग टिप्स पे न्यू हो तो अभी प्रेस कर दो सब्सक्राइब के बटन पे, देन प्रेस कर दो बेल के आइकन पे, फिर प्रेस कर दो ऑल के बटन पे ताकि आपको नेक्स्ट भी वीडियोस मिल सके। इस चैनल पे मैं आपको इस तरह की वीडियोस देता रहता हूँ कि आप कैसे फ्री में कोई ब्लॉग बना सकते हैं, कैसे प्रीमियम वाली चीजें फ्री में गेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने क्या करना है, ये आपकी सब डोमेन है, ये देखिए आपको यहाँ पे आपकी सब डोमेन नजर आ रही है। आपने इसे एज इट इज कॉपी कर लेना और अपने एडसन के अकाउंट पे आ जाना है। यहाँ एडसन के अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे आपका जिस वेबसाइट पे एड्स रेडी है, आपने जिसकी सब डोमेन क्रिएट की है उस पे यहाँ पे यहाँ ड्रॉप डाउन बटन पे प्रेस करना है और यहाँ शो डिटेल पे प्रेस कर देना है। यहाँ प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपका एड्स ऑफ डोमेन का बटन मिल जाता है। यहाँ एड्स ऑफ डोमेन पे प्रेस करना है और जो आपने लिंक कॉपी किया है यहाँ पे उसे पेस्ट कर देना है। उससे पहले ये जो आपको HTTPS वगैरह दिखाई दे रही है आपने रिमूव करना है। यहाँ पे इस इतना पार्ट आपने रखना है जितना आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ रखने के बाद आपने ऐड के बटन पे प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ऐड के बटन पे प्रेस करते हो ये देखिएगा आपकी सब डोमेन एडसेंस के अंदर ऐड हो चुकी है। अब आपने इस पे एड्स वगैरह कैसे डिस्प्ले करवाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज आपकी सब डोमेन ऐड हो चुकी है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपको बाय साइट का यहाँ गेट कोड मिलता है आपने इसे एज इट इज कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपनी वेबसाइट पे। अगर ब्लॉगर पे है तो ब्लॉगर के थीम में अप्लाई करना है, अगर आप वर्डप्रेस पे है तो वर्डप्रेस के यहाँ थीम में आपने आ जाना है। पेनल्स में थीम एडिटर पे आ जाना है, यहाँ आने के बाद आपने इसके हेडर में ये कोड पेस्ट कर देना है। अगर ब्लॉगर पे हो तो वहां भी आपको इस तरह से मिल जाएगा, थीम में जाने के बाद सबसे ऊपर आपको हेडर मिल जाता है, लेकिन हमें यहाँ वर्डप्रेस में ये खुद ढूंढना पड़ता है। तो ये देखिए गाइस हम हेडर में आ चुके हैं, यहाँ हेड के नीचे आपने उस कोड को अप्लाई कर देना है। अगर आप ब्लॉगर पे हो तो वहां भी आपने हेड के नीचे ही इसे कॉपी पेस्ट करना है, देन आपने अपडेट फाइल पे प्रेस कर देना है। तो आपके एडसन का कोड यहाँ पे लग चुका है। अब जैसे ही थोड़ा टाइम गुजरेगा इसके एड्स वगैरह आपकी इस वेबसाइट पे भी शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे इसे रिफ्रेश करते हैं तो अभी आपको एड्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन अगर कुछ टाइम गुजर जाता है यानी कि आधा घंटा दो घंटे गुजर जाते हैं उसके बाद आपको एड्स यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि नेक्स्ट वीडियो मिल सके।